नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करना और बड़ी खबर स्मृति ईरानी को लेकर। स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी के होश उड़ा दिए और उन्होंने जो बयान दिया है वो सबको हैरान करने वाला। चलिए पूरा मामला आपको समझाते हैं कि क्या। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने हावड़ा में रामनवमी के जुलूस के दौरान हुई हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। स्मृति ने ममता बनर्जी जुलूस के दौरान पथराव करने वालों को क्लीन चिट देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, सवाल यह है कि ममता कब तक हिंदू समुदाय पर हमले करती रहेंगी। आपको बता दें, स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि यह पहली घटना नहीं है जो ममता के कार्यकाल में हुई है। इससे पहले 2022 में लक्ष्मी पूजा पर जब दलित पूजा कर रहे थे तो उन पर हमला किया गया था, उस समय भी वह चुप थी। दरअसल रामनवमी के जश्न के बीच हावड़ा में दो गुटों के बीच हुई झड़प में कई वाहनों में आग लगा दी गई थी। जुलूस के दौरान दंगाइयों ने सार्वजनिक और निजी संपत्तियों में तोड़फोड़ किया और वाहनों में आग लगा दी थी। रामनवमी समारोह के दौरान हावड़ा में हुई हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल पर सरकार ने शुक्रवार यानी 31 मार्च को आपराधिक जांच विभाग यानी CID को जांच सौंप दी। पुलिस महानिरीक्षक CID सुनील चौधरी के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने जांच शुरू की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CB आनंद बोस से बात की और हावड़ा में हिंसा भड़कने की स्थिति का जायजा भी लिया। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल BJP प्रमुख ने शुक्रवार 31 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर रामनवमी समारोह के दौरान हावड़ा में हुई हिंसा की राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA में जांच कराने की मांग की थी। इस हिंसा के बाद से TMC और BJP के नेता एक दूसरे पर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। इसमें पहले ममता ने भी BJP और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला था और यही वजह है कि स्मृति ईरानी ममता पर भड़कते नजर आ रही हैं। लिहाजा देखना पड़ेगा कि अब ममता बनर्जी और विपक्ष किस तरीके से जवाब देता है। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, SPN 9 न्यूज़।